ना भी आप लोगों को ना मकास का रिएक्शन दिखाऊंगी, मुझे शर्म आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। तो मैंने ना एक पार्लर से बुकिंग करवाई थी आई लैश एक्सटेंशन की, जो कि परमानेंट आई लैश होती है। तो अभी आपको नजर आ रहा है मैंने आईज पे कुछ भी नहीं किया हुआ, कितनी खाली खाली लग रही है आईज। तो बस अभी मैं तैयार हो गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ पार्लर पे और वहाँ जाकर दिखाती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। 5000 के लगा रहे हैं वो लोग, और लैशेज़ वगैरह अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हो, लेंथ भी लैशेज़ की। तो अभी जाते हैं, देखते हैं कैसे लगा रही हैं, एक्सपीरियंस कहता कैसा। आईज़ छोटे छोटे तो नहीं लग रही, आईज़ पे हैवी तो नहीं है। सबसे मेन चीज़ के नमाज हो सकती है कि नहीं हो सकती, फिर चलते हैं, फिर बाकी डिटेल वहाँ जाके शेयर करो। तो भाई मैं सैलून में आ गई हूँ। सैलून जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, बहरिया में ही था सैलून जो है। मैं अपनी ओरिजिनल लैशेज़ दिखा रही हूँ आपको। मैंने भी कोई मस्कारा वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो मैंने इसलिए लगाया था कि वहाँ पर जब एप्लीकेशन होगी तो मैंने कहा आँखों में कुछ चला जाएगा या फिर इरीटेशन होगी इस वजह से। तो जो लैश किट ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो ये वाली है, इसके साथ नजर आ रहा है लैशेस के सारा सामान है, लैश है, डिफरेंट स्टाइल्स की फेन है। बाहर से जिसका बॉक्स है वो कुछ इस तरीके का था, अंदर जो है ना वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, हैवी लगवानी है, लाइट लगवानी है, लॉन्ग लगवानी है, लेंथ कैसी रखनी है। बीच में लोग लॉन्ग लगवाते हैं, कोई कॉर्नर पर लॉन्ग लगवाता है, मतलब आप लोग की अपनी मर्जी की आप कैसी लगवाना चाहते हो। प्रोसीजर स्टार्ट करने लगे हैं तो जितना रिकॉर्ड कर सकती है आपको दिखाऊंगी, बिफोर और आफ्टर भी दिखाऊंगी रिजल्ट। तो यहाँ पे जो है ना मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, आपको नजर आ रहा है नीचे उन्होंने जो व्हाइट टेप होती है ना वही लगाई है। तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन कर रही है। उन्होंने मेरे से पूछा था आपने कैसी लगवानी, तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल नेचुरल चाहिए और मुझे ना हैवी वाली नहीं चाहिए कि आँख खुले ना आँख छोटी छोटी लगे, बस मुझे ना एंड पे लगा दें आप जो है वो लेंथ में, बाकी जो है जितनी मेरी लैश की लेंथ है वही रहने दें। तो ऐसे भी लगवाते हैं ना, लोगों की अपनी मर्जी होती है वो जैसे लगवाना चाहते हैं। यहाँ पे ना मैंने दोनों हाथ उठा के अपना कैमरा पकड़ा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए एप्लीकेशन कैसे हो रही है। मैंने कहा एक आइस की दिखा देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आ जाए, फिर दूसरी आइस की करने के बाद दिखाऊंगी। और हाथ दुख गए थे मेरा मोबाइल पकड़े पकड़े। ओपन हो रही है, मसाला आ गया। यार देखें एक आंख पे हो गई है, मैं आपको बंद करके भी दिखाती हूँ आंखें कैसी लग रही हैं। अभी थोड़ा सा पानी आ रहा है क्योंकि अभी जाहिर खुली है। अब डिफरेंस आपको दोनों आंखों में नजर आ रहा होगा क्लियर, तो दूसरी पे भी हो जाए तो फिर दिखाती हूँ आपको कैसे। इस किट के साथ ना ये एक चार्जिंग वाला फैन भी आता है जिससे आपकी लैश को ड्राई करते हैं ताकि आपकी आंख में गम ना जाए, अदरवाइज अगर डायरेक्ट खोलेंगे तो आंख में गम जाती है फिर वो इरिटेशन करती है थोड़ी देर। तो ये फाइनल लुक है, अब इसको थोड़ा सा कर्ल करते हैं तो दिखाती हूँ उसके बाद कैसी लग रही है आंखें बंद करके दिखाती हूँ। लैश एक्सटेंशन का इन्होंने मेरे से 5000 चार्ज किया था, फिर वो बोल रही थी आगे आगे जैसे जैसे आप लैश की रिक्वायरमेंट बढ़ाते जाते हैं तो उस हिसाब से चार्जेस जो है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने ना नेल्स करवाए थे अपने, फ्रेंच करवाए थे मैंने, और मैंने पोली जेल नहीं करवाए थे क्योंकि आपको पता है वो काफ़ी मंथ रहते हैं और मुझे नमाज पढ़नी होती है, तो अभी तो नमाज पढ़नी नहीं थी मैंने, तो फिर मैंने इसलिए करवा ली है कि 4-5 दिन तक रहें। टेम्परेरी जो नेल्स होते हैं ना वो 4-5 दिन में गिर जाते हैं, तो आप उन दिनों में करवा सकते हैं जिन दिनों में आपने नमाज ना पढ़नी हो, तो फिर मैंने इसलिए टेम्परेरी वाले करवा लिए थे। जैसे इन्होंने किए हुए थे ना मुझे सेम वैसे चाहिए थे, पर यह था कि मेरे ना स्टोन ज़्यादा लग गए थे, मुझे बस 3-3 स्टोन चाहिए थे। मैंने कहा चलो खैर अच्छे लग रहे हैं फिर भी। तो पहले इन्होंने इस तरीके से मेरे नेल्स को जो है वो पहले बफ किया था, उसके बाद ये किया था, उसके बाद वो नेल्स का साइजेस लेके नेल्स लगाए थे मेरे सारे साइजेस लेके, उसके बाद उनको कट किया था, कट करने के बाद ट्रिम किया था, और उसके बाद एप्लीकेशंस वगैरह उसको ड्राई करना नेल्स को, पूरा सामान इनके पास था। अब यहाँ पे देखें वो अप्लाई कर रहे हैं नेल पेंट जो कि फ्रेंच में अप्लाई होता है। मैंने कहा था मुझे लंबी लेंथ नहीं चाहिए, फिर मैंने कहा चलो यहाँ 4-5 दिन के लिए लगवा रही हूँ, लंबी लगवा लेती हूँ, देखते हैं कैसे लग रहे हैं। तो बस यहाँ पे जो है मेरे नेल्स वगैरह हो गए और वकास कॉल पे कॉल कर रहे थे, मैंने कहा बाहर जाके रिकॉर्ड करती हूँ, उनको भी दिखाती हूँ, उनका भी रिएक्शन लेती हूँ कि क्या है। मैं ना भी आप लोगों को ना मकास का रिएक्शन दिखाऊंगी, मुझे शर्म आ रही है। हाँ यार रिएक्शन लेना, आप मजाक बना रहे हैं। नेल्स चेक करो। बेहतरीन, ये कितने दिन में उतरने उतरने का सारी टेंशन हो गई है। पक्की ये मैंने टेम्परेरी लगवाया, परमानेंट नहीं लगवाया। अब वकास तो मुझे सही से बता थोड़ी रहे हैं। सही से बता रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? सच कोई भी सुनना नहीं चाहता है। ये देखे बंद कर दिया बलाज, आपने गियर क्यों चेंज किया है? देखिए यार इसको छोड़ कर मुझे मेरे पे फोकस करो। फोकस करके कह रहा हूँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या करवा के आई हूँ यही पता नहीं होगा, करवा के आई हूँ। क्या करवा के आई हूँ? ये जो नकली तुम पलके लगवा के रही हो उसकी बात। और मेरे नेल्स को कैसे लगे, ये मैंने करवाए नेल्स अच्छा।
और लैशेस देखो, लैशेस भी अच्छी लग रही है। और मुझे देखो लेके, मेरे लैशेस तो देखो, देखो मेरे लैशेस अर्मिश, देखो अर्मिश मेरे लैशेस देखो, लैशेस इतनी ज्यादा मेरे लैशेस हो गए भी। आपको कैसे लगाऊं बच्चे, नेल्स कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, ये वो वाले जो अंदर के साथ ऐसे रेड लगे हैं, ये देखो रिंग्स तो मेरे बीच बहुत। इससे मेरा मेकअप पड़ा हुआ थोड़ा सा, ये देखें कैसे लग रहे हैं, कमरे में आके दिखाती हूँ आपको सही। ओके भाई, तो अभी मैं घर आ गई हूँ, नेल्स तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मेरी रिंग कहाँ चली गई है यार, एक मिनट। ओके, तो मैं अभी घर आ गई हूँ, तो नेल्स तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बच्चों को भी बहुत नेल्स पसंद आए थे, वकास को भी नेल्स जो है ना वो बहुत पसंद आए थे, क्योंकि मेरे हाथ ना बहुत चुने चुने से हैं, तो नेल्स लगा के हाथ मेरे अच्छे लग रहे हैं, बड़े बड़े लग रहे हैं थोड़े से। बाकी लैशेज जो है ना वो मुझे इस वाली आई कि लैश थोड़ा सा मस्त लग रहा है, आपको नजर आ रहा है, देखिए हल्का सा गेप है यहाँ पे, इसको ना ऐसे होना चाहिए था, ऐसे जैसे इस आँख की है ना, इसकी आँख की लैश में कोई गैप नहीं है कहीं पे भी, इस आँख की लैश बहुत अच्छी लग रही है, देखें ऐसे, क्योंकि मैंने ऐसे लगवाई थी जो मेरे लास्ट वाली जो मेरी लैशेज है ना, बस मैंने उस पर कहा था कि लेंथ लगाते हैं बस, बाकी जो है वो एज इट इज लगाने थे। और ये ना मुझे हैवी नहीं लग रही, और शायद इसलिए भी कि मैं लैशेज लगाती रहती हूँ, तो मुझे तो फील नहीं हो रहा कि मैंने फेक लैश लगाई हुई है। आप लोग बताना कि आपको फील हो रहा है, ये देखें। और दूसरी बात यह है कि बस इसका मुझे लग रहा है, तो ये मैं जाऊंगी कल ठीक करवाने के लिए कि यहाँ पे एक लेश लगा दें, फिर ये ठीक हो जाएगा। बाकी अच्छी लग रही है, मज़े की लग रही है, नेल्स भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। नेल्स मैंने टेम्परेरी लगाए हैं, जितने दिन नमाज नहीं पढ़नी उतने दिन के लिए, उसके बाद मैं उतार दूँगी इसको। परमानेंट नहीं लगवाए, परमानेंट नेल्स जो है वो एक महीने के लिए लगते हैं, ज़्यादा महीने भी लग सकते हैं, वो आपके उसके ऊपर है, केयर के ऊपर। और लेश का भी ये सीने के एक महीने रहती हैं, ये आपके केयर के ऊपर है, आप रीफिल भी करवा सकते हैं उसको जाके। बाकी नेल्स में जो है वो नमाज नहीं होती परमानेंट में, लेश में नमाज हो जाती है, क्योंकि लेश जो है ना वो आपकी ओरिजिनल लेश से एक एक इंच दूर लगती है, और पानी भी जाता है आराम से, और ये कोई जानवर के बाल नहीं है, सिंथेटिक हेयर है, तो इसमें इसलिए नमाज हो जाती है। तो मेरी आज की वीडियो है, आई होप कि कुछ चेंज टॉपिक और यूनिक टॉपिक लगा होगा आपको, क्योंकि काफ़ी लोग रिव्यू मांग रहे थे उससे। तो ये मेरी आज की वीडियो है, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और बताना कि नेल्स और एक्सटेंशन, लेश एक्सटेंशन कैसी लग रही थी, और आप लोगों में से किसने करवाई है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे लेश एक्सटेंशन बिल्कुल भी फील नहीं हो रही, वरना ऐसा होता है कि लेश एक्सटेंशन लगाओ तो आंखें छोटी छोटी लगना शुरू जाती हैं, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा मैंने लेश एक्सटेंशन लगवाई है। और मैंने बहुत लाइट कह के कि मुझे बहुत हैवी नहीं लगवानी, मुझे जो लास्ट की मेरी लेंथ है सिर्फ उस पर लेश लगवानी है। आपने अपनी मर्जी से लगवा सकते हो, छोटी बड़ी सारी बड़ी मिक्स करवा के लगवाना चाहो, मिक्स करवा के लगवा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। और नेल्स जो है वो मैंने फ्रेंच करवाया था, आपकी अपनी मर्जी, आप जो सा मर्जी करवाओ, क्योंकि लड़की ने जो वहां पे बैठी थी ना उसने फ्रेंच करवाया हुआ था, तो उसके हाथों पे बहुत प्यार आ रहा था, मैंने कहा मुझे यही कर दो, तो मुझे नेल्स भी, नेल्स काफी अच्छे लगे। आप लोग बताना आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस था, आप लोग क्या रिव्यू देना चाहोगे, आपको कैसे लग रहे थे, चेंज लग रहा था कि नहीं लग रहा था। तो खैर, ये मेरी आज की वीडियो है, आपको आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत पैसे लगा के आई हूं, तो लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना, और कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।